पिछले 100 सालों से टूथपेस्ट के नाम पर जहरीले केमिकल्स से लोग अपने दांतों पर अत्याचार कर रहे थे। हमने हजारों वर्षों की साइंटिफिक आयुर्वेद की परंपरा व रिसर्च के आधार पर नीम, बबूल, तुमरू, अकरकरा, इमलोंग आदि जड़ी बूटियों से दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस एवं सेंसिटिविटी के लिए दंत कांति मेडिकेटेड बनाया, जो दे आपके दांतों को लंबी उम्र का वरदान और दांतों व मसौढ़ों की समस्याओं का पूर्ण समाधान। कांग्रेस से अलग होने पर बोले हार्दिक पटेल, कहा गुजरात में केवल हार्दिक ही नहीं है जिसे कांग्रेस से है नाराजगी, तो वहीं बीजेपी में शामिल होने से भी किया इनकार। गुजरात में सियासी हलचल तेज, हार्दिक के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने नरेश पटेल से की मुलाकात, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं पाटीदार नेता नरेश पटेल। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर भी लगाई रोक, अब कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, 89वें मामले में मिली जमानत, 88 मामलों में आजम खान को पहले ही मिल चुकी थी जमानत। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद महाराष्ट्र में भी मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे पर उठे सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 5 दिनों के लिए मकबरे को किया बंद, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने स्मारक पर उठाए थे सवाल। ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद में नया मोड़, कोर्ट ने याचिका की मंजूर, सिविल कोर्ट में होगा ट्रायल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली एजेंसियों की मदद से भारत में तुगलकी सरकार चला रही बीजेपी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ हुए बीजेपी में शामिल, शनिवार को जाखड़ ने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। बड़ोदरा युवा शिविर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, पीएम मोदी बोले हमारा उत्थान दूसरों के कल्याण का माध्यम बने, संस्कार का अर्थ समर्पण है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,364 नए मामले आए सामने, 10 मरीजों की गई जान, कुल मरीजों की संख्या 4,31,29,563 पर पहुंची।